आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पोकेमोन यूनाइट के अंदर हमारे टॉप 18 ऑलराउंडर के अंदर सीजन 18 के अंदर आपको कौन से ऑलराउंडर यूज करने चाहिए अपना रैंक पुश करने के अंदर, क्योंकि भाई अब सिर्फ 2 वीक बचे इस सीजन को एंड होने में एंड न्यू पैच नोट आएगा, उसके अंदर न्यू मेटा भी बनेंगे। तो या वीडियो ऑल दो ये वाला काफी ज्यादा क्रेजी होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर हम बात करेंगे टॉप 5 ऑलराउंडर की बेस्ट स्ट्रेंथ, लेन डिस्ट्रीब्यूशन, बेस्ट मूव सेट, बेस्ट बिल्ड एंड बूस्ट एम्बलम जो कि आपको यूज करना चाहिए, एंड ये सारे पोकेमोन करेंटली मेटा के अंदर है। तो भाई वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, एंड अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी जिसके अंदर मैंने स्पीड स्टार की डिटेल वीडियो बना रखी है तो उसे भी जाके चेकआउट कर लेना भाई, काफी क्रेजी वीडियो है एंड आपको काफी कुछ न्यू पता चलेगा। सो टॉप 5 ऑलराउंडर जिनको हाईली बफ मिले इस सीजन, तो वे है गैराडोस, बजबुल, लुकारियो, जैसियन एंड सीजोर। तो इनको भाई काफी अच्छे बफ मिले हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले गैराडोस के अंदर। सो ओवरऑल गैराडोस के जो मूव सेट है वाटरफॉल, एक्वाटेल एंड यूनाइट मूव, इन सब का इन्होंने डैमेज इंक्रीज किया गया। एंड इनकी लेन की बात करें तो लेन के अंदर आप टॉप या बॉटम लेन जाओ, सेंटर लेन मत जाना गैराडोस लेके। स्ट्रेंथ की बात कर लेते गैराडोस की, तो ओवरऑल आपका अर्ली मूव सेट ओपन हो जाता है, स्ट्रॉन्ग एरिया डैमेज है, काफ़ी अच्छी मोबिलिटी है, एंड यूनाइट मूव जब आप यूज़ करते हो तो आप गायब हो जाते हो, इनवेंसिबिलिटी हो जाती है। साथ में जो इसका पैसिव, मतलब कि पैसिव एबिलिटी है, वह भी काफ़ी अच्छा है। पैसिव एबिलिटी इसका क्या है, जब आप इवॉल्व होते हो तो HP, अटैक स्टेट एंड स्पीड आपकी अच्छी खासी इंक्रीज हो जाती है। साथ में अगर आप अपोनेंट को नॉकआउट करते हो या असिस्ट करते हो तो आपका जो कूलडाउन है मूव का वे 30% से कम हो जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है और ये टाइमिंग के लिए रहता है। तो बात करें इसके बेस्ट मूव सेट के अंदर, ड्रैगन ब्रीथ भाई काफ़ी अच्छा डैमेज दे देता है, एंड 60% तक का अटैक बफ आपको मिलता है जब आप ड्रैगन ब्रीथ यूज़ करते हो। मतलब कि आप सिर्फ बेसिक अटैक दबाओगे तो आपको अच्छा खासा डैमेज देखने को मिल जाएगा इसके साथ। और ड्रैगन ब्रीथ 3 सेकंड के लिए अपोनेंट को पैरालाइज भी कर देता है। एंड सेकंड मूव सेट की बात करें उसके अंदर आप ले सकते हो वाटरफॉल एंड बाउंस, आई थिंक मैं सभी प्रोनाउंस करो बाउंस, या तो अभी के टाइम पे करेंटली ड्रैगन ब्रीथ एंड बाउंस का कॉम्बो काफ़ी यूज हो रहा है, जिसके अंदर बाउंस क्या काम करता है, बाउंस क्या करता है, आप उसे चार्ज कर सकते हो 2.4 सेकंड के लिए, एंड चार्ज करोगे तो आपका रेंज भी बढ़ेगा, एंड साथ में जब ड्यूरिंग ये चार्ज हो रहा होता है तो अनस्टॉपेबल होता है ये, मतलब कि आपको कोई भी स्टन नहीं लगेगा। एंड साथ के अंदर जब आप इसे बाउंस जब करते हो अपोनेंट पे तो अपोनेंट स्लो हो जाता है 1 सेकंड के लिए, एंड थोड़ी देर के लिए पैरालाइज भी हो जाता है। इसीलिए इसका कॉम्बो जो ड्रैगन ब्रीथ के साथ है वो काफ़ी अच्छा यूज़ हो जाता है, ये पैरालाइज कर देता है एंड ड्रैगन ब्रीथ भी यहाँ पे स्टन देता है। तो ये दोनों कॉम्बो आप अभी यूज करो ड्रैगन ब्रीथ एंड बाउंस करके। नाउ बात कर लेते हैं इस पे बेस्ट हेल्थ आइटम जो कि आपको यूज करना चाहिए, तो आप इस पे यूज कर सकते हैं मसल बैंड जो कि आपका अटैक डैमेज इंक्रीज करेगा, उसी के साथ साथ फोकस बैंड जो कि आपको डिफेंस एंड स्पेशल डिफेंस को बूस्ट देने में हेल्प करेगा, एनर्जी एम्पलीफायर यूज करो, कूलडाउन जो यूनाइट मूव है उसका कम करेगा, एंड साथ में जब आप यूनाइट मूव यूज़ कर लोगे तो 21% तक का डैमेज आपका इंक्रीज करता है थोड़े सेकंड्स के लिए। तो भाई ये अभी गैराडोस के लिए ये बिल्ड सबसे बेस्ट है, तो ये ट्राई करो एंड बताना आपका कैसा ये जा रहा है। बाकी कुछ ज्ञान की बात कर ले गैराडोस के बारे में, क्योंकि गैराडोस तो आप खेल लोगे बट उसे इवॉल्व करने के लिए कुछ ट्रिक्स होती है जो जिसको अफर्ड कहा जाता है। तो इसके लिए आपको क्या क्या करना होता है, पहला तो आप स्कोरिंग करोगे ना तो उससे आपको काफ़ी जल्द ये जो गोज होता है ये फुल होगा। सेकंड, अगर आप किलिंग कर लेते हो, मतलब KO कर देते हो किसी भी एनिमी को, तब तो बेस्ट रहेगा, आप काफ़ी जल्द इवॉल्व कर पाओगे, एंड असिस्ट भी करते हो तो उसके अंदर भी आप काफ़ी अच्छे से इवॉल्व कर पाओगे। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, अगर सेंटर लेन जाओगे तो वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी इवॉल्व होने में, टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा, तो KO लेने की ट्राई करो ये। और हाँ, KO लेने का ट्राई आप करना स्टार्टिंग जो मूव सेट होता है फ्लेल करके, वे यूज़ करना, उससे काफ़ी अच्छा डैमेज लास्ट टाइम में हिट करना, मैं यही यूज़ करता हूँ ताकि मैं जल्दी इवॉल्व कर पाऊँ, तो हाँ ये ट्राई करना ज़रूर। बूस्ट एम्बलम की बात करें तो बूस्ट एम्बलम पे आप इस पे 6 ब्राउन फॉर डैमेज एंड 6 व्हाइट फॉर HP यूज़ कर सकते हो। बाकी ये वाला आप अगर कॉम्बो बना लो तो काफ़ी बेटर है, ट्राई करो, गैराडोस काफ़ी इनसेन परफॉर्म कर रहा है मैच के दौरान। नाउ हम बात कर लेते हैं हमारे बीस्ट पोकेमोन बजबुल के बारे में। तो बजबुल जो अभी रिसेंटली उसको काफ़ी अच्छे बफ मिले, उसके मूव सेट को अच्छे बफ दिए गए हैं, उनका डैमेज काफ़ी अच्छा निकलता है। तो बात करें इसके पैसिव एबिलिटी की, तो यहाँ पे इसकी पैसिव एबिलिटी है बीस्ट
बूस्ट करके। एंड इससे क्या होगा, अगर आप KO करते हो अपोनेंट को तो आपका मूवमेंट स्पीड 100% तक इंक्रीज हो जाता है, साथ में बेसिक अटैक 50% तक इंक्रीज हो जाता है, और ये होता है 3 सेकंड के लिए। बट अगर आप KO नहीं कर पाते, असिस्ट भी करते हो, तो मूवमेंट स्पीड आपका 50% इंक्रीज रहेगा एंड बेसिक अटैक 25% तक 3 सेकंड के लिए इंक्रीज रहेगा। ये तो काफ़ी अच्छा हो जाता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे क्राउड कंट्रोल भी कर सकते हो इसके साथ। सो स्ट्रेंथ की भी बात कर लेते हो तो बजबुल की स्केलिंग एबिलिटी काफ़ी अच्छी है, साथ में इसके पास पावरफुल कॉम्बो है, या तो इसमें कॉम्बो यूज़ करके आप काफ़ी अच्छा डैमेज आउटपुट निकाल सकते हो एंड कॉन्स्टेंट HP रिकवरी होती है इसके बूस्टेड अटैक से, जो कि इसे गेम में काफ़ी देर तक टिकने देता है। अब हम बात कर लेते हैं बजबुल के बेस्ट मूव सेट के बारे में। तो अभी के टाइम आप यूज़ करो सुपर पावर प्लस स्मैकडाउन का कॉम्बो, जो कि करेंटली काफ़ी अच्छा यूज़ हो रहा है। सुपर पावर की बात करें उससे क्या होगा, सुपर पावर जब आप यूज़ करते हो तो वह आपका मसल ग्रोथ कंज्यूम करता है, जो आप ये देख रहे हो। हाँ, इसे आपको फुल रखना पड़ेगा सुपर पावर, अगर यूज़ आप अच्छे वे में करना चाहते हो। बाकी डिजाइनेटेड डायरेक्शन में आप इसे यूज़ कर सकते हो। लार्ज एरिया ऑफ इफेक्ट है, अगर आप सुपर पावर यूज़ करके जब लास्ट में हिट मारते हो तो अपोनेंट जो भी वहाँ पे रहेंगे उनको भी डैमेज अच्छा आ जाएगा, और ये शील्ड भी देता है 2 सेकंड के लिए अगर आप अपोनेंट को ग्रैब कर लेते हो, पकड़ लेते हो। बाकी लेवल 11 पे ये प्लस हो जाता है, एंड इससे होता क्या है, मसल ग्रोथ जैसी फुल हो जाएगा तो आप इसे दोबारा रीयूज़ कर पाओगे, तो ये काफ़ी अच्छा इसका कॉम्बो बनेगा, अभी मैं आगे बताऊंगा। बाकी बात करते हैं दूसरा मूव सेट स्मैकडाउन, जो कि आप वैसे ही डिजाइनेटेड डायरेक्शन में यूज़ कर सकते हो। जब आप इसे अपोनेंट पे मारोगे तो अपोनेंट एयर में अपने आप हवा में उड़ने लगता है, स्टन हो जाते एक टाइप से हुए, और दोबारा आप इसे यूज़ कर सकते हो जब तक अपोनेंट आपका एयर में है। इससे आपका क्या होता है, जो मसल ग्रोथ होता है ना ऊपर, ये भी इंक्रीज हो जाता है 2, अब टोटल 6 से ही होता है तो 2 से इंक्रीज हो जाता है अगर आपने इसे पहले ग्रैप किया, और सेकेंड अगर ये नीचे डाउन होता है तो 4 इंक्रीमेंट हो जाता है आपका मसल ग्रोथ, और 6 इंक्रीमेंट चाहिए होता है। तो भाई इसका कॉम्बो भी काफ़ी अच्छा बन जाएगा, लेवल 13 पे ये 2 की जगह 3 आपको मसल ग्रोथ देता है। नाउ अब बात कर लेते हैं इस मूव सेट के लिए आपके पास कौन सा हेल आइटम यूज़ करना चाहिए। तो इस पे आप अटैक वेट एंड EO स्कोकी यूज़ कर सकते हो। अटैक वेट आपका अटैक इंक्रीज करेगा ओवरऑल, एंड EO स्कोकी आपका जब स्कोर करोगे, क्योंकि दोनों ही हेल आइटम स्कोरिंग वाले, स्कोर करना पड़ेगा ताकि आप इनको इंक्रीज कर सकते हो। 6 टाइम आपको पता है इनको स्कोर करना पड़ता है, तो EO स्कोकी एंड अटैक वेट दोनों लगाना कंपलसरी है। इसके साथ आप वीकनेस पॉलिसी यूज़ कर सकते हो आपके HP अटैक के लिए, दोनों में हेल्प करता है वीकनेस पॉलिसी। अगर इसकी जगह आप चाहो तो रैपिड फायर स्कार्फ, ये भी यूज़ कर सकते हो। बाकी अटैक वेट EO स्कोकी यूज़ करना बेटर रहेगा, ट्राई करना ये बिल्ड। एंड कॉम्बो की बात कर ले, स्टार्टिंग अंडर लेवल 10 जब आप होते हो तो उसके अंदर आपको यूज़ करना चाहिए अपना पहला बेसिक अटैक, ताकि आपका मसल ग्रोथ इंक्रीज हो। उसके बाद अगर आप स्मैकडाउन यूज़ करते हो, जिससे आपको 2 इंक्रीमेंट मिलेगा, और जब वो स्लैम होगा नीचे गिरेगा तो उससे 4 मिल जाएगा। उसके बाद आप सुपर पावर यूज़ कर सकते हो, जिससे आपका जो ओवरऑल डैमेज है वो काफ़ी अच्छा इंक्रीज हो जाएगा। बट आगे फिर आप लेवल प्लस करके मूव सेट जब दोनों ओपन हो जाते हैं आपका 13 लेवल पे, तो इसीलिए कहते हैं जब लास्ट के 2 मिनट होते तो इसका लेवल 13 प्लस कर लिया करो, तो उससे क्या होगा, आपका सुपर पावर आप पहले यूज़ करना जिससे डैमेज आ जाएगा, फिर स्मैकडाउन यूज़ करोगे उससे क्या होगा कि आपका जो मसल ग्रोथ है वह दोबारा फुल हो जाएगा, और जैसी मसल ग्रोथ इन फुल हो जाता है तो आपका जो सुपर पावर है ना उसका कूलडाउन हट जाएगा, एंड आप री अपना सुपर पावर यूज़ कर पाओगे, जिससे इसका ओवरऑल डैमेज काफ़ी अच्छा आ जाता है, एंड साथ में आपको पता है इसका मूवमेंट स्पीड एंड अटैक स्पीड काफ़ी अच्छा इंक्रीज रहता है। तो अभी के टाइम में बजबुल को आपको प्ले करने के लिए थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि इसका कॉम्बो जल्दी यूज़ नहीं कर पाते, मैं भी ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाता। बैटल आइटम में आप इजैक बटम यूज़ करना, आपको ज़्यादा मोबिलिटी मिलेगा, क्योंकि अपोनेंट आजकल रेंज वाले होते हैं, तो या यूज़ करना इजैक बटन। एंड साथ में आप इस पे जो बूस्ट एम्बलम है उसके अंदर 6 ब्राउन एंड 6 वाइट का जो मैंने आपको दिखाया था, आप ये वाला यूज़ कर सकते हो। इस पे काफ़ी अच्छा बैट, इस पे आपको ये मिल जाएगा इस पे एडिशनल HP एंड डैमेज का। नेक्स्ट पोकेमोन है हमारा लुकारियो। लुकारियो की बात करें तो भाई इसको यूज़ करने के लिए काफ़ी अच्छी स्किल चाहिए होती है। स्ट्रेंथ की बात करें तो इसका डैमेज आउटपुट कॉम्बो के साथ काफ़ी अच्छा निकल जाता है, एंड इसके पास मोबिलिटी काफ़ी अच्छी है, स्पीड स्टार से अच्छी मोबिलिटी है भाई बात करें तो। बाकी बात करते हैं इसके बेस्ट मूव सेट के बारे में, तो बेस्ट मूव सेट के अंदर आप यूज़ कर सकते हो एक्सट्रीम स्पीड प्लस बोन रश, इसको अच्छा बफ मिला है, एंड अगर बात करें पावर अप पंच एंड क्लोज कॉम्बैट वे भी काफ़ी अच्छा है, तो बट एक्सट्रीम स्पीड यूज़ करना। पैसिव एबिलिटी की बात कर लेते हैं तो इसका पैसिव एबिलिटी नेम है चीट फास्ट,
जिससे क्या होगा, अगर आपकी एचपी 15% बिलो चले जाती है तो आपको एक शील्ड मिलती है एंड साथ में आपका मूवमेंट स्पीड 20% तक इंक्रीज हो जाता है 5 सेकेंड के लिए, और इसके बाद ये कूल डाउन पे चला जाता है 16 सेकेंड के, मतलब 1 मिनट के बाद दोबारा ये ओपन हो जाएगा। बात करें एक्सट्रीम स्पीड क्या क्या काम करता है, एक्सट्रीम स्पीड देखिए वो डैश मूव सेट की तरह है, बट आप इसे यूज़ करोगे तो आपका 75% तक का डैमेज इंक्रीज हो जाता है बेसिक अटैक का, इसीलिए आपको एक्सट्रीम स्पीड के साथ अपना बेसिक अटैक का कॉम्बो यूज़ करना चाहिए। लेवल 11 पे भी ये इसका डैमेज ओवरऑल इंक्रीज होता है और ज़्यादा कुछ नहीं होता। बाकी एक्सट्रीम स्पीड का कॉम्बो आगे मैं बताऊँगा कैसे आप यूज़ कर सकते हो काफ़ी टाइम इसे। बाकी उसके साथ बोन रश यूज़ करना, बोन रश आपको एक तो स्टन देता है अपोनेंट को, साथ में आप टेलीपोर्ट भी हो जाते हो। आप अगर एक बार बोन रश यूज़ कर दो करोगे तो आप वहाँ पे आगे जाके दोबारा री अपने बोन रश पे आ जाओगे जहाँ पे वो हड्डी होता है, और साथ में ये रीसेट मैकेनिक की तरह काम करता है एक्सट्रीम स्पीड के लिए। सो कॉम्बो से पहले हम बात कर लेते हैं इसके हेल्थ आइटम जो कि आपको यूज़ करने चाहिए, तो इस पर आप यूज़ कर सकते हो मसल बैंड, ओवरऑल आपका अटैक स्पीड एंड अटैक डैमेज को काफ़ी अच्छा इंक्रीज करेगा, साथ में अटैक वेट अटैक डैमेज को भी आपको बूस्ट देगा, एंड वीकनेस पॉलिसी आप यूज़ कर सकते हो ताकि आपका जो ओवरऑल बेसिक अटैक है हिट पे उसका डैमेज अच्छा खासा आ जाए। एंड अटैक वेट लगाते हो तो ये याद रखना आपको स्कोरिंग करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप स्कोरिंग करोगे छोटे छोटे स्कोर करना ताकि ये 6 लेवल 6 तक आप स्कोर करोगे इसका स्टैक कंप्लीट करने के लिए, उसके बाद आपका डैमेज काफ़ी अच्छा आ जाएगा। बैटल आइटम में आप इस पर फुल हील यूज़ करना। बूस्ट एम्बलम की बात करें तो 6 वाइट फॉर HP एंड 6 ब्राउन फॉर डैमेज आप इस पर लगा सकते हो। एंड कॉम्बो की बात कर लेते हैं तो कॉम्बो के अंदर पहले तो भाई देखना आपको एक्सट्रीम स्पीड का यूज़ करना आना चाहिए। तो एक्सट्रीम स्पीड जब आप यूज़ करोगे अपोनेंट पे तो जो सर्कल है ना, अगर एक बार इस सर्कल पे यूज़ कर लेते हो तो दोबारा अगर आप यूज़ करोगे तो ये कूल डाउन पे चला जाएगा, तो आपको डिफरेंट अपोनेंट पे यूज़ करना आना चाहिए। तो इसीलिए कहते हैं रस जहाँ पे क्राउड होते हैं वहाँ पे एक्सट्रीम स्पीड वाले लुकारू प्लेयर्स काफ़ी अच्छा डैमेज निकाल लेते हैं। तो होता क्या है, अगर सिंगल प्लेयर है तो उस पर कैसा कॉम्बो होगा इसका, एक्सट्रीम स्पीड यूज़ करोगे एक बार, फिर बोन रश यूज़ करोगे एंड बेसिक अटैक दबाना बोन रश के साथ, तो फिर दोबारा बोन रश आप जब उस पर टैप करोगे तो आप टेलीपोर्ट हो जाओगे एंड दोबारा आप एक्सट्रीम स्पीड 2 बार यूज़ कर पाओगे, मतलब कि टोटल 3 टाइम्स आप एक अपोनेंट पे एक्सट्रीम स्पीड का कॉम्बो यूज़ कर सकते हो। एंड अगर ओपोनेंट ज़्यादा है तो आपको एक्सट्रीम स्पीड का कॉम्बो वहाँ पे ज़्यादा देर तक यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो मैं कैसे यहाँ पे डैमेज निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पे होता क्या है कि एक्सट्रीम स्पीड डिफरेंट अपोनेंट पे यूज़ करो एंड बोन रश भी डिफरेंट अपोनेंट को अगर आप डैमेज दे देते हो तो आपका जो एक्सट्रीम स्पीड है ना आप उसे दोबारा रीयूज़ कर पाओगे। तो इससे थोड़ा मुश्किल है ये यूज़ करना, बट हाँ ऐसा ही कॉम्बो है तो अगर आप ट्राई करोगे तो आप बैटर बन जाओगे एक्सट्रीम स्पीड के साथ लुकारियो के अंदर। बाकी जो भी बोल रहा था कि भाई लुका का गाइड लाओ, मुझे पता है एक्सट्रीम स्पीड काफ़ी हार्ड होता है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। बैटर वे में अगर आपको समझ नहीं आया अभी भी तो मुझे बताना, मैं एक और वीडियो जो आगे ऑलराउंडर की हम कवर करेंगे जिसके अंदर जो अभी मूव सेट में कवर कर रहा हूँ डिफरेंट मूव सेट कवर करूँगा उसके अंदर मैं और डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। बात करते हैं अब हमारी नेक्स्ट पोकेमोन की। सो अब बात कर लेते हैं हमारे EX पोकेमोन जैसियन के बारे में। तो भाई जैसियन के अंदर काफ़ी अच्छा बफ मिला उसके सेक्रेट सोर्ड के अंदर, तो कैसे यूज़ करना है वे सब तो बताऊंगा, बट पहले बात करते हैं पैसिव एबिलिटी, क्योंकि इसी के थ्रू आप काफ़ी अच्छा समझ पाओगे जैसियन के मूव्स को। तो जैसियन की पैसिव एबिलिटी है इंटरपीडिएट सोर्ड, जिसके अंदर ये अपना एओस एनर्जी जो होता है जो गोलिंग करते हैं हम उसको कंज्यूम करके अपने अटैक को बूस्टेड कर लेता है। अगर आप एओस एनर्जी कंज्यूम करके अगर डैमेज दोगे तो काफ़ी अच्छा डैमेज निकल जाएगा, बेसिक अटैक का डैमेज भी काफ़ी अच्छा निकलता है एओस एनर्जी अगर आप कंज्यूम करते हो तो, ये कुछ गोल्डन टाइप हो जाता है, इसी के कहते हैं बेसिक बूस्टेड अटैक कुछ ऐसा कुछ होता है। अगर दूसरा अगर आपने मूव यूज़ कर लिया एक बार अपना एंड उसके बाद आप EOS एनर्जी कंज्यूम करोगे तो आपका मूव रीसेट हो जाएगा, एक रीसेट मैकेनिक की तरह ये यूज़ होता है, तो जो इसे काफ़ी इंसेन परफॉर्म करवाता है मैच के दौरान। बाकी बात करें कितना एनर्जी ये कंज्यूम करता है तो 8 एनर्जी ये कंज्यूम करेगा सिंगल टैप के बारे में। तो एक चीज़ और है कि अगर आप जैसे यूज़ कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि कब आपको सिंगल टैप से एनर्जी कंज्यूम करवानी है और कब आपको होल टैप से एनर्जी कंज्यूम करवानी है, क्योंकि अगर सिंगल टैप करोगे तो आपका सिर्फ 8 एनर्जी कंज्यूम होगा और आपका जो मूव है ना वे 3 सेकेंड के लिए अंडर 3 सेकेंड तक आप उसे यूज़ कर पाओगे, अगर 3 सेकेंड हो गया तो आप वे मूव हट जाएगा। तो ये थोड़ा दिमाग लगाने वाला चीज़ है, स्किल चाहिए होता है जैसे इनको यूज़ करने के लिए। बाकी बात करते हैं अदर इसका स्ट्रेंथ क्या है, तो डैमेज आउटपुट काफ़ी अच्छा निकाल लोगे आप इसके साथ, कूल डाउन रीसेट मैकेनिक है जो मैंने आपको बताया एंड काफ़ी अच्छी देर तक जैसे इन गेम टिक जाता है।
दूसरा हम बात करते हैं इसका बेस्ट मूवसेट अभी कौन सा है, तो बेस्ट मूवसेट है इसका सेक्रेट सोर्ड प्लस एजिलिटी के टाइम, अभी एजिलिटी काफी ज्यादा यूज हो रहा है। सेक्रेट सोर्ड की बात करें तो भाई एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं अपने सोर्ड से जैसे कि आप देख रहे हो, फिर उसके अंदर ये डैमेज आउटपुट देता है एंड अगर इसके अंदर अपोनेंट डैमेज लग जाता है तो 30% तक अपोनेंट स्लो जाते हैं 3 सेकंड के लिए, और ड्यूरिंग जब हम सर्कल बना रहे होते हैं तो जैसे अनस्टॉपेबल होते हैं, मतलब कोई स्टन नहीं पड़ेगा एंड जैसे इनको 30% तक का कम डैमेज भी लगता है। उसी के साथ साथ जो इसका बेसिक अटैक स्पीड है वे भी इंक्रीज हो जाता है एंड एओस एनर्जी अगर आप इसे कंज्यूम करवा देते हो तो एरिया ऑफ जो इसका सर्कल है वे इंक्रीज हो जाता है एंड अपोनेंट पे डैमेज काफ़ी अच्छा प्रोवाइड हो जाएगा इससे। दूसरा जो इसका मूवसेट है एजिलिटी, तो ये कि डैश मूवसेट की तरह काम करता है जिससे आपका 30% मूवमेंट स्पीड इंक्रीज हो जाएगा एंड 10% से भी डाउन हो जाता है अगले 1 सेकंड से। साथ में अगर आप एओस एनर्जी कंज्यूम करवा के एजिलिटी यूज़ करते हो तो आपको 20% ऑफ मैक्स एचपी की शील्ड भी मिलती है। देखो यहाँ पे मैंने जितने भी आपको मूवसेट की डिटेल्स बताई है वो मैंने मेन हाइलाइट्स बताया, और भी इनके साथ काफ़ी आपको एडवांटेज मिलता है जो कि मैंने आपको नहीं बताया, तो भाई कमेंट में ये मत भूलना पॉइंट बाय ये तो आपने बताया ही नहीं, तो ये सब मत लिखना भाई, मैंने हाइलाइट्स बताया जिससे आप समझ पाओ कि मूव्स का क्या क्या एडवांटेज मिलेगा आपको। उसी के साथ साथ बात करते हैं अब बेस्ट बिल्ड के बारे में, तो बेस्ट बिल्ड पे आप इस पे यूज़ कर सकते हो मसल बैंड एंड रैपिड फायर स्कार्फ एंड एक सोर्ड पहले से ही आपके साथ रहेगा, तो दो ही हाइलाइट आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। बाकी बात करें बूस्ट एम्बलम पे तो इस पे 6 ब्राउन डैमेज के लिए एंड 6 वाइट एचपी के लिए, ये वाला आप यहाँ पे ही लगाओ ताकि आपका डैमेज आउटपुट काफ़ी अच्छा बन जाए। एंड बात करते हैं आप कॉम्बो की, तो भाई जैसे इनका कॉम्बो दो टाइप से यूज़ कर सकते हो, पहला सिंगल टैप जिससे आपका 8 AOS एनर्जी कंज्यूम होगा और आपका मूव चार्ज हो जाएगा, दूसरा एक है होल्ड टैप, जब होल्ड करोगे तो आपका 12 AOS एनर्जी कंज्यूम होगा, 6 सेकंड के लिए आप मूवसेट 6 सेकंड के अंडर यूज़ कर पाओगे एंड फिर दोबारा 15 एनर्जी कंज्यूम होता है जिसको आप 10 सेकंड के अंदर यूज़ कर पाओगे। बाकी यूनाइट मूव का अलग होता है, ये सिर्फ मूव्स के लिए मैंने बताया आपको एंड इसके दौरान आपको ये देखना होगा कि सामने क्राउड में है तो आप होल्ड टैप करके जाना एंड अगर सिंगल अटैकर है या 2-3 अटैकर है तो आप सिंगल टैप यूज़ करना एंड उस सर्कल से आप जो डैमेज दोगे उससे भी किल हो जाएगा क्योंकि वन शॉट किंग आप कह सकते हो जैसन को भी। नाउ गाइस हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पोकेमोन है जो कि है सीजोर एंड सीजोर को भाई अभी के टाइम पे काफ़ी अच्छा बफ मिला है जो कि है इसके मूव सेट के अंदर। बाकी बात करें इसकी पैसिव एबिलिटी से, तो पैसिव एबिलिटी से क्या होता है कि जब आप इसका मूव यूज़ करोगे ना तो जो आपका जो बेसिक अटैक होता है ना उसको ये क्या कर देता है, एक टाइप का बूस्ट दे देता है जिससे आप अपोनेंट का मूवमेंट स्पीड डिक्रीज कर देते हो एंड आपका डिफेंस इंक्रीज हो जाता है, ये काफ़ी अच्छा होता है सीजोर का पैसिव एबिलिटी अभी तक, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा एंड आपको इसका बेसिक अटैक यूज़ करना पड़ेगा टाइम टू टाइम। बाकी स्ट्रेंथ की बात करें तो आपका 2 प्ले स्टाइल मिल जाता है सीजोर और साइथर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मूवसेट है इसके पास एंड किसी भी लेन में टॉप हो बॉटम हो और सेंटर हो किसी भी लेन में आप इसे यूज़ कर सकते हो एंड अभी का करंट बेस्ट मूवसेट जो आप इस पे यूज़ कर सकते हुए है बुलेट पंच एंड सोर्ड डांस, ये दो आप अभी यूज़ करो काफ़ी अच्छा डैमेज आउटपुट निकल जाएगा। बुलेट पंच की बात करें तो डैश मूवसेट की तरह होता है ये एंड 40% कूलडाउन कम कर देता है जब ये अपोनेंट को हीट करता है, तो एचपी रिकवरी भी साथ में ये देता है तो काफ़ी बढ़िया रहता है एंड अगर आप एक बार बुलेट पंच यूज़ कर देते हो अंडर 8 सेकंड आप दोबारा किसी अपोनेंट को हिट करोगे तो आपका जो पंच है पहले तो 3 पंच ये मारता है उसके बाद ये पंच बूस्ट हो जाता है एंड 5 पंच तक मैक्स आप इसे बूस्ट कर सकते हो अंडर 8 सेकंड एंड जब ये लेवल प्लस हो जाता है तो आपको यहाँ पे शील्ड भी मिलता है जब आप अपोनेंट को हिट करते हो। उसी के साथ साथ अब बात कर लेते हैं सोर्ड डांस के बारे में, तो सोर्ड डांस भी एक डैश मूवसेट की तरह होता है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए एंड इससे क्या होता है आपका जो अटैक है ना उसको 20% तक आप इंक्रीज कर पाते हो 5 सेकंड के लिए। उसी के साथ साथ अगर इसका कॉम्बो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ और जो आपको पता है इसका लास्ट जो बूस्ट निकलता है वो काफ़ी अच्छा डैमेज दे देता है। अब हम बात करते हैं इसका हेल्ड आइटम जो आप इस पे यूज़ कर सकते हो, तो आप इस पे यूज़ करो रेजर क्लो जो कि आपका अटैक एंड क्रिटिकल हिट रेट को अच्छा बूस्ट देगा एंड अटैक वेट जो कि ओवरऑल आपका बुलेट पंच का जो अटैक होता है उसको अच्छा बूस्ट दे देता है। एनर्जी एम्पलीफायर यूज़ करना मैंडेटरी मैं कहूँगा ताकि आपका यूनाइट मूव जल्दी आ जाए। अगर साइथर यूज़ कर रहे हो आप तो आप एनर्जी एम्पलीफायर यूज़ करना एंड सीजोर के साथ भी यूज़ होता है, तो इससे क्या होगा आपका जो यूनाइट मूव है उसका यूनाइट मूव यूज़ करने के बाद डैमेज 21% तक का इंक्रीज होता है, साथ में कूल डाउन भी ये कम करता है। तो रेजर क्लो अटैक वेट एनर्जी एम्पलीफायर मस्ट है, यूज़ करना मज़ा आ जाएगा आपको एंड काफ़ी अच्छा डैमेज निकाल पाओगे आप।
कॉम्बो की बात करें तो कॉम्बो के अंदर इसका कॉम्बो थोड़ा सिंपल है, बट अगर नहीं लग पाया अपोनेंट को तो कॉम्बो इसका वेस्ट हो जाता है। लाइक इसका पहले आप शॉर्ट डांस यूज़ करोगे, उसके बाद बेसिक अटैक दो बार यूज़ करना ताकि आपका जो ऊपर का गोज है ना ये थोड़ा फुल हो जाए, एंड उसके बाद जब आप बुलेट पंच यूज़ करते हो ना तो बुलेट पंच के बाद अपने आप ये अपना बूस्टेड अटैक फॉर्म जो होता है उसको लॉन्च कर देता है, जिससे काफ़ी अच्छा डैमेज आउटपुट निकल जाता है। तो यार ये थोड़ा ट्राई करना। तो यही है आज का बेस्ट सारे पोकेमोन जो कि अभी करेंट सीज़न 18 के अंदर मेटा के अंदर है। इसका मैंने सब चीज़ आपको बता दिया कि आप कौन से पोकेमोन यूज़ करो ऑलराउंडर के अंदर। बाकी अगर आप बोलो तो अटैकर की एक और वीडियो लाई जाएगी जिसके अंदर हम बात करेंगे उनके बेस्ट बिल्ड के बारे में, बूस्ट एम्बलम के बारे में, लेन डिस्ट्रीब्यूशन, हेल आइटम एंड ओवरऑल और भी जो पैसिव वैलिड एबिलिटी है एंड जो उनका मूव है क्या वर्क करता है। तो भाई इन जैसी वीडियोज़ को बनाने के लिए काफ़ी टाइम वेस्ट होता है, तो अगर आपने लाइक नहीं किया तो भाई फटाफट से लाइक करो, चाहे आप ग्रीन इंजा का सुरिकेन फेंक के मारो या हमारे जेएसएन का स्वॉर्ड फेंक के मारो। तो भाई बट लाइक हो जाना चाहिए, 200 का लाइक हम रखते हैं। होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो कमेंट करना आपका बेस्ट ऑलराउंडर इस सीजन कौन सा है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।